हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो फाउंडेशन होती है, जो हमारी, जिसको हम फुटिंग भी कहते हैं एक तरह से, कैसे हम उसको डालें, किस तरह से हम किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन को हम डाल सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी फाउंडेशन हम डाल रहे हैं उस बिल्डिंग की, तो वो कितनी होनी चाहिए, उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, उस सॉइल से कितनी नीचे होनी चाहिए, तो वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू सब कुछ बताऊंगा कि उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, कितनी एक्सेवेशन होनी चाहिए, क्या आईएस कोड कहता है हमें उसके बारे में। ठीक है, तो उस जो आईएस कोड की जो हमारी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, तो उसके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा। और इसके साथ आपको ये भी बताऊंगा कि फाउंडेशन और कॉलम, जो कॉलम की रिइंफोर्समेंट होती है और जो फाउंडेशन होती है, उसके वक्त हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में वो भी बताऊंगा। ठीक है, साथ में आपको बताऊंगा कि इस बारे में, जब भी हमें साथ में आपको इस बारे में पता चलेगा कि जो कॉलम कास्टिंग होती है, फिर फाउंडेशन की कास्टिंग होती है, उस टाइम से हमसे कौन कौन सी गलतियाँ हो सकती है। तो ऐसे कभी होता है कि जब हम कॉलम कास्ट कर रहे हैं या फिर फाउंडेशन कास्ट कर रहे हैं, या फिर जो हमारा कॉलम है उस फाउंडेशन इरेक्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर जो हमारी क्या क्या गलती हो जाएगी, इस वीडियो में आगे प्रैक्टिकल व्यू दूंगा आपको, एक साइट का व्यू दिखाऊंगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या क्या गलतियाँ हो सकती है। एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर, आपकी ड्यूटीज बनती हैं उसको ठीक करना। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल नोटिफिकेशन बटन, ताकि मेरी जो सारी वीडियोस हैं वो आपके पास सबसे पहले आप ही के पास पहुंच सकें। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको जितना भी कॉन्सेप्ट है एक फाउंडेशन का, एक कॉलम कास्टिंग का, वो सब कुछ समझ आ सके, आपको पता चल सके कि क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं, और एज अ सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर, आप उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारी साइट जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। यहाँ पे एक मकान बन रहा है 1600 स्क्वायर फीट में। तो जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे फाउंडेशन का काम स्टार्ट है, जहाँ पे हमने कॉलम इरेक्ट कर दिए हैं। ये आइसोलेटिक फुटिंग का जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो कॉलम इरेक्शन का काम कर रहे हैं। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने एक ट्रेपेजॉइडल जो फुटिंग है उसका यूज़ करके हमने कॉलम इरेक्ट किए हैं। ठीक है, तो ये आप एक बार साइट की लोकेशन देख लीजिए यहाँ से, कि जो साइड की लोकेशन है। तो ये जो हमारा, ये देखिए, इसके जो नीचे, ऐसा नहीं है सिर्फ ये मिट्टी पर खड़ा किया है, इसके नीचे हमने सबसे पहले पीपीसी की लेयर जो थी वो डाली थी, और दोनों ही कॉलम में आप ऐसे ही किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको इरेक्ट किया हुआ है हमारे कॉलम को, ताकि जो हमारा सपोर्ट है वो ढंग से मिल सके। ठीक है, यहाँ पर टोटल 8 जो हमारे रिइंफोर्समेंट बार, स्टील बार्स का यूज़ हुआ है। ठीक है, 16 mm और 12 mm का। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी कॉलम आपके इरेक्ट हो रहा है तो मिनिमम जो कॉलम का रिइंफोर्समेंट का जो डाया है, जो स्टील का डाया है, वो 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है, जब भी आप एज अ सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर, आप कहीं पे भी जाते हो। तो यहाँ पे मैं आपको गलतियाँ भी बताऊँगा, क्या क्या गलतियाँ इन्होंने, जो हमारे जहाँ पे जो लेबर है उन्होंने जो काम किया है। जैसे यहाँ पे एक तरफ इन्होंने ईंट का यूज़ किया, और एक तरफ इन्होंने फट्टों का यूज़ किया, मतलब जो वुडन प्लैंक्स हैं। ठीक है, और इस तरफ आप देखिए, एक तरफ कवर ज़्यादा, एक तरफ कवर कम दिया हुआ है। तो जो एंड में जो कॉलम कास्ट होगा, वो उसकी जो डायमेंशन होगी वो सही नहीं होगी। और सबसे बड़ी गलती आप अभी देखने वाले हो, ये देखिए, जब इन्होंने कॉलम कास्ट की एक साइड ओपन की हुई है, इससे वजह से क्या हो गया, सेग्रीगेशन हो गया। ये देखिए आप पूरा, जब देखेंगे तो पूरी सेग्रीगेशन दिखेगी आपको यहाँ पे। ठीक है, एक बार बात, तो यहाँ से आप ध्यान से जब देख रहे हो तो आपको दिख रहा है कि किस तरह सेग्रीगेशन हो गया है। ना यहाँ पे वाइब्रेटर का यूज़ किया गया है, ना ही यहाँ पे ढंग से कॉम्पैक्शन की गई है, और दूसरी साइड जो हमारा कॉलम है वो एक साइड बेंड हो चुका है। तो ये जो मिस्टेक है, एज अ सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर, आपको देखना ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि लेबर कभी कभी जो आपने इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं वो कभी कभी फॉलो नहीं होती है, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो जैसे आप ये जो यहाँ पे जो आप कॉलम देखेंगे, इसको हमने अभी इसकी शटरिंग खोल दी है। ठीक है, मैं एक नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा जहाँ पे मिनिमम डे, मिनिमम टाइम जब हम अपनी शटरिंग को खोल सकते हैं, उसका क्या टाइम होता है। बीम्स के लिए अलग होता है, वर्टिकल कॉलम्स के लिए अलग होता है, फिर हमारा स्लैब के लिए अलग होता है। तो उस तरह से क्या क्या जो चीज़ें होती हैं वो, तो अभी यहाँ पे शटरिंग का काम खुल रहा है, तो आप देख सकते हो। एक और, जब वाइब्रेटर का यूज़ ना करो तो कैसे हो सकता है, वो राइट साइड में आप देख सकते हो पूरा सेग्रीगेशन हो चुकी है। तो ये, और दूसरी साइड यहाँ पे देखो, इस साइड देखो क्लियर कवर क्या है, और इस साइड का क्लियर कवर क्या है। तो ये अनदर मिस्टेक हो चुकी है, जहाँ पर इन्होंने एक कॉलम कास्ट हो गया है, और एक साइड जो कवर है वो बहुत कम दिया हुआ है, और एक साइड बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो ये प्लेट सेंग का यूज़ करा जाए, इंस्टेड ऑफ फट्टा या फिर आप ईंट का यूज़ करोगे, तो वहाँ पे जो आपकी जो नेचुरल जो शेप है, साइज़ है, और जो प्रॉपर
जो शेप आनी चाहिए कॉलम की या फिर किसी भी मटेरियल की वो नहीं आएगी। तो ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको इन प्लेट्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आपको मैं दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में फाउंडेशन बनाई थी, तो ये हमारा एक पिलर है, इसके ऊपर हमने पहले पीपीसी की लेयर डाली थी नीचे फाउंडेशन में, और उसके बाद हमने जो किया था, तो पीपीसी की लेयर डालने के बाद हमें स्टेप चेक करनी है कि जो हमारे सेंटर में जो इनका स्पेसिंग होनी चाहिए वो 9 इंची, और जब भी वो किसी प्लिंथ बीम या किसी कोपर टाई बीम से मिलेंगी तब 4 इंची की। ये जो हमारी फाउंडेशन है, ट्रेपेजॉइडल फाउंडेशन है पीपीसी की लेयर, और उसके ऊपर हमने, तो अब कैसे फाइंड करेंगे हमारी मिनिमम डेप्थ कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम डेप्थ क्या होनी चाहिए। मैं बात कर रहा था या फिर फुटिंग की बात कर रहा था, जो हाईएस्ट स्कोर जो हमें कहता है वो कहता है कि जो मिनिमम डेप्थ ऑफ अ फाउंडेशन, ठीक है, मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन शुड बी 500 mm, जो आई एस कोड हमें मेंशन करता है वो होती है 500 mm, ठीक है। तो डेप्थ क्या होगी, जैसे ये मान लो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो भी हमारा प्लिंथ बीम होती है, याद रखना हमेशा कि जो प्लिंथ बीम होती है उसके जो नीचे का बॉटम पार्ट, बॉटम से जो भी चीज़ शुरू होती है वो हमारा सब स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये इसके नीचे सब हमारा सब स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर जो ऊपर वाला होता है सुपर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये बात होगी, डिफाइन कर दिया हमने सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर को। अब जो हमारी जो डेप्थ जो थी, जो हमारी फुटिंग की डेप्थ है, यानी यहाँ से सॉइल से लेके, मतलब जहाँ पे हमारी प्लिंथ बीम एंड हो रही है, और जो हमारी जो फाउंडेशन के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कह रहा है वो 500 mm होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए, ये हमारा 500 mm होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा 500 mm होना चाहिए। और उसके बाद जो होता है एक और क्राइटेरिया है, जहाँ पे वो बोलते हैं फुटिंग की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, जो हमारी फुटिंग है, ठीक है। तो मिनिमम थिकनेस ऑफ अ फुटिंग, ठीक है, इसमें दो क्राइटेरिया है, 150 और 300 है। अगर हमारी जो फुटिंग है, अगर मान लो इसके नीचे जो भी है, इसके नीचे ये है, ये अगर सॉइल पे रेस्ट कर रही है, ठीक है, अगर फुटिंग हमारी सॉइल पे रेस्ट कर रही है, तो उस केस में जो हमारी मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए वो 150 mm होनी चाहिए, ठीक है, 150 mm होनी चाहिए। तो अगर सॉइल पे रेस्ट कर रही है तो मिनिमम जो कि मैक्सिमम आप कुछ भी दे सकते हो 150। अगर मान लो इसके नीचे कोई पाइल है, ठीक है, कोई पाइल है इसके नीचे, ठीक है, पाइल मतलब उसके नीचे जो हम पाइल्स होती हैं वो, अगर वो जैसे मान लो कि ब्रिज में यूज़ करते हैं वैसे मैक्सिमम पाइल्स का यूज़, और रफ फाउंडेशन में भी करते हैं, रफ या हम पाइल फाउंडेशन जब डालते हैं, तो उस टाइम पे अगर उस फुटिंग के नीचे हमारी कोई पाइल फाउंडेशन है, तो मिनिमम थिकनेस जो इसकी होगी वो 300 mm होगी, मतलब 1 फुट होगी। तो ये याद रखो कि आप फाउंडेशन की डेप्थ कितनी होगी, 500 mm मिनिमम, ज़्यादा भी रख सकते हो आप, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन लोड कितना आ रहा है आपका बिल्डिंग पे। उसके बाद जो आपका जो मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए वो 150 mm होनी चाहिए, और अगर वो पाइल पे तो 300 मिनिमम थिकनेस। तो ये था जो आईएस कोड बताता हमें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल नोटिफिकेशन बटन, ताकि मेरी जो सारी वीडियोस हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स फ्री है, वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हैं, कोई डाउट क्लियर हो तो करना हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।